प्रदेश भर में आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए बीकानेर में शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए गाइडलाइन को जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को विशेष सावधानी की नसीहत दी गई है। इस संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा विद्यार्थियों को ही है, क्योंकि एक ही क्लास में बड़ी संख्या में स्टूडेंट साथ बैठते हैं और एक दूसरे को टच भी करते हैं। शिक्षा निदेशक कानाराम ने बताया कि टीचर्स को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई छात्र आई फ्लू से पीड़ित है तो उसे छुट्टी दी जाए, साथ ही विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाव और सावधानी रखने संबंधित जानकारी भी दें। गाइडलाइन में कहा गया है कि आपस में टिफिन और पानी की बोतल को शेयर ना करें। सभी स्कूल अपने छात्रों स्टाफ को आई फ्लू के लक्षणों और बचाव के उपाय की जानकारी दें ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अभी आपने देखा होगा कि इस मानसून सीजन में जो है आई फ्लू के केसेस बढ़े हैं और उसमें स्कूलों में भी जो है कुछ विद्यालयों में केस रिपोर्ट हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कल एक डिटेल एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो आँख को छूने से और फिर उस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे विद्यार्थी अगर छूता है तो उसको फैलने की संभावना रहती है। तो बच्चों विद्यार्थियों को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और विद्यालय में संस्था प्रधान जो है बच्चों को माध्यम से इसमें जो बेहतर भूमिका निभा सकता है, तो इसके निर्देश दिए गए हैं। इसमें मुख्यतः है कि बच्चे बार बार अपने हाथों को धोए, सैनिटाइज करें और अगर किसी विद्यार्थी को संक्रमण हो गया है तो यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक के परामर्श के अनुसार वो अवकाश पे भी रह सकता है और उस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अन्य बच्चे नहीं आए इसके रिगार्डिंग, चाहे वो खाना खाते वक्त हो, क्लास या प्रार्थना सभा में बैठ रहे हो, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में उनको अब बहुत डिटेल में बताया गया है।